नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पीपल के विषय में कुछ विशेष जानकारियां देने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि आखिरकार हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की इतनी महत्ता क्यों है, पीपल में किन देवों का वास होता है और वैज्ञानिक नजरिए से भी पीपल को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में पीपल को वृक्ष का राजा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास भी माना गया है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप ही होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। इस कथन में उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष के समान ही बताया है, इसलिए इस वृक्ष को धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली और इसका विधिवत पूजन भी आरंभ हुआ। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर इसकी परिक्रमा करने से मानव की आयु लंबी होती है और जो व्यक्ति इसके वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसके सभी पापों का अंत होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए ही पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। धर्मशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में पीपल का एक पेड़ तो अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। इस पौधे को लगाने के बाद रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ेगा आपके घर में सुख समृद्धि और बढ़ती जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान भी अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पीपल को आप अपने घर से दूर लगाएं। घर पर पीपल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर करते हैं निवास। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसमें त्रिदेव निवास करते हैं, जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि भी इस भूतल पर निवास करते हैं। जैसे संसार में ब्राह्मण गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से क्रमशः धन, उत्तम संतान, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अलावा पीपल में पितरों का वास माना गया है, सबकी तीर्थों का इसमें वास माना जाता है, इसलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाने का विधान है। पूजा करने से सारे संकट होते हैं दूर। पीपल की छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसके पत्तों को शुभ कार्यों में द्वार पर लगाया जाता है। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़कर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नित्य पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। इस उपाय से जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, वातावरण में दूषित तत्वों, कीटाणुओं को नष्ट करने के कारण पीपल को देवतुल्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल रात दिन निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अद्भुत वृक्ष माना जाता है, जिसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसकी छाया गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते फल आदि में औषधीय गुण होने के कारण यह रोगनाशक भी होता है। हमें उम्मीद है ये तमाम जानकारियाँ आपके काम आएंगी। इसी तरह धर्म और अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।